हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक अच्छा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी लोग यूज किया कर रहे हैं। तो ये ऐसा एप्लीकेशन है कि आप कोई भी इमेज को आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीके से होता क्या है कि हम ज़्यादातर JPG या फिर PNG का फाइल यूज करते हैं या फिर JIF। तो हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि कभी कभी टाइम इंटरनेट में जो ऐसा ऐसा फॉर्मेट आपको मांगता है कि आपको नॉर्मल तरीके से मिलता नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी आप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इजी भी प्रोसेस है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना है इमेज कन्वर्टर, ये पहले नंबर पर है। तो इनका जो रेटिंग है आप देख सकते हैं 4.3.8 है और इनको 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। और यहाँ पर जो फॉर्मेट है आपको क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट है जो आपको पता भी नहीं है ऐसा ऐसा फॉर्मेट है। तो आप सिंपली से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर से आप सिंपली कर दीजिए कॉन्फर्म। तो कॉन्फर्म करने के बाद तो डैशबोर्ड कुछ ऐसे तरह ओपन होगा। तो यहाँ पर से आपको इमेज सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो एरो यहाँ पर बना हुआ है आपको जो हाईलाइट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना है क्लिक और यहाँ पर से आप चाहे तो कैमरा से भी शूट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फाइल ही चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर से मैं पहले दिन का जो थंबनेल है वो मैंने चूज़ कर लिया हूँ। तो ये जो थंबनेल है यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप जो इनका साइज है ये 100% रखना चाहते हैं कि नहीं, तो आप नहीं चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन खरीदना है और उनको आपके हिसाब से साइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आउटपुट फोल्डर आप कहाँ चाहते हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से डिफॉल्ट ही रखना दीजिए या फिर आपके मर्जी आप कहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्कैन का ऑप्शन है, ये जैसे है रख दीजिए। उसके बाद रिलेट ओरिजिनल फ़ोटो, तो आप चाहते हैं कि भाई आप कन्वर्ट करने के बाद वो फ़ोटो आपके कोई काम का नहीं है तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो मेरा तो काम का है तो मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो एक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इतना फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में है। तो ये मुझे लगता है कि सारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, बट आप इनके और भी फॉर्मेट है तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर मैंने दो एक ही फॉर्मेट मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं एक दो में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर BMP पर मैं कर लेता हूँ कॉन्वर्ट। तो आप चाहे तो PNG भी कर सकते हैं या फिर JPG या फिर कोई। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ BMP। तो यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कॉन्वर्ट का जो आइकन है आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कॉन्फर्मेशन पूछेगा योर श्योर, तो आप तो श्योर ही होंगे। तो यहाँ पर ये यह कॉन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इनको व्यू भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर से आप क्लिक कर दीजिए और व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर भी आ चुके होंगे। तो आपने जो फोल्डर चूज़ किए थे आउटपुट, वहाँ पर आप चले जाइए और वो पिक्चर का जो BMP फाइल ओपन हो जाइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इमेज कन्वर्टर जो है यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं .BMP यहाँ पर 2.64 MB हो चुकी है यहाँ पर। तो आई थिंक मेरा जो है JPG फाइल था, आई थिंक 234 था। तो यहाँ पर सॉरी KB था, वो यहाँ पर MB हो चुके हैं, 2.464 MB हो चुके हैं, ज़्यादा बड़ा हो चुकी है। और यहाँ पर इसका रीनेम ही देख सकते हैं .BMP। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ आप कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई परेशानी आया है तो। और प्लीज़